देखिए आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे के ऊपर हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में दो तरह के प्लान आपको मिल जाते हैं, एक तो रेगुलर और एक डायरेक्ट। अब रेगुलर और डायरेक्ट के बारे में जितनी भी वीडियो आप YouTube पर देखेंगे तो वहाँ पर एक चीज़ जो कि कॉमन तौर पर बताई गई होती है वो ये बताई गई होती है कि आपको डायरेक्ट प्लान के साथ जाना चाहिए, रेगुलर के साथ नहीं जाना चाहिए। रेगुलर के साथ जाने के कुछ नुकसान भी वहाँ पर गिनवाए गए होते हैं, तो उन सारी बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि इसी तरह का एक सवाल मेरे पास आया है नीरज जी की तरफ से। इन्होंने कहा है कि सर, मेरी पोर्टफोलियो में कुछ फंड्स ऐसे हैं जिनमें मैंने रेगुलर प्लान के तहत निवेश किया हुआ है, रेगुलर प्लान के जरिए निवेश किया हुआ है, यानी किसी म्यूचुअल फंड एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह से मैंने म्यूचुअल फंड खरीदा हुआ है, तो ये खरीदना सही है या नहीं है, तो हम इसके ऊपर डिटेल्स में बात करेंगे कहां तक सही है कहां तक गलत है। अगर आप बाय द वे म्यूचुअल फंड एजेंट के थ्रू या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो खरीदने के टाइम और खरीदने के बाद आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, बहुत ऐसी बारीक बातें जो आपको अभी तक पता नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है, अगर पता है तो और अच्छी बात है, वो सारी बातें आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाली है। तो सर वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता हूं। सर डायरेक्ट हम आते हैं नीरज जी के सवाल के तरफ। इन्होंने कहा है कि मेरे पोर्टफोलियो में कुछ फंड हैं जिनमें मैंने रेगुलर प्लान के जरिए यानी किसी एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह के जरिए निवेश करके रखा हुआ है, तो ये गलत है या सही। इस पे हम कुछ बात करने से पहले कुछ चीज़ें हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए अक्सर हम म्यूचुअल फंड के बारे में कहाँ सुनते हैं, हम तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग होते हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं और छोटे शहरों गांव से बिलोंग करने वाले लोग होते हैं। ऐसे या तो यूट्यूब वगैरह पर वीडियो देखकर या फिर अपने आस पड़ोस के लोगों से, सोसाइटी, दोस्त फ्रेंड, इस तरह के लोगों से सुनकर म्यूचुअल फंड के बारे में जानते हैं। अब जाहिर सी बात है कि आपने किसी से सुना कि म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट करके वहाँ पर पैसे बनाए जा सकते हैं, तो आपके में हुआ कि भाई हम भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन वहां पर आपने किसी से सुना है, आपने पढ़ा नहीं है, उसके ऊपर आपकी कोई रिसर्च नहीं है, तो इसका मतलब है कि अभी आपको नॉलेज नहीं है। तो अब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहां पर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप विदाउट नॉलेज इन्वेस्टमेंट करेंगे या नॉलेज लेंगे। तो नॉलेज अगर आप लेते हैं तो आपको टाइम देने की जरूरत होती है, और टाइम के लिए मुझे अगर कहना पड़े तो मैं कह सकता हूं कि 6 महीने साल भर आपको देना चाहिए, तब जाकर आपको अच्छी समझ हासिल हो सकती है इस बात को जानने के लिए कि एक ग्रेट पोर्टफोलियो कैसे बनाया जा सकता है, और दूसरी बात किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन से मिस्टेक्स नहीं करने चाहिए, हमें एक फंड को लेते वक्त किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, मतलब ओवरऑल इन सारे नॉलेजेस को गेन करने के लिए आपको 6 से 8 महीने, 10 महीने और 1 साल तो आपको देने ही चाहिए, इतने टाइम लग ही जाएंगे आपके। तो अगर आप नॉलेज लेते हैं तो यहाँ पर आपके नुकसान क्या होंगे, आपको पता है यहाँ पर आपके नुकसान होंगे कि आपका टाइम ख़राब हो जाएगा, इन्वेस्टिंग जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। आप सोच कर देखिए, अगर आपने 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देता, 1 साल आपने बर्बाद किया इन चीज़ों को, अब 1 साल में जो आपका रिटर्न्स मिला होता म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत कम मिला होता ना, बहुत कम अगर मिला होता इक्विटी में, तो मुझे लगता है 12-13% का रिटर्न्स, 10% से ऊपर का रिटर्न्स तो आपको मिला ही होता, जो कि आपका बर्बाद हो गया। अगर आप 2 लाख रुपये पर 10% का रिटर्न्स सालाना मान कर चलते हैं तो आप सोच कर देखिए कि 1 साल में आपके 20,000 रुपए का नुकसान हो चुका है, जो कि आपको 1 साल में रिटर्न्स के रूप में मिल जाता। तो ये आपने नॉलेज लेने के चक्कर में 1 साल जो गंवा दिया उसका नुकसान हुआ। अगर आप खुद से विदाउट नॉलेज, एक भरोसे, एक गैम्बलिंग की तरह सोच लेकर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते तो वहां पर क्या नुकसान होंगे आपको पता है, वहां पर नुकसान ये होंगे कि आपके लाखों रुपये नुकसान हो सकते हैं, समझ रहे कि नहीं, हो सकता है कि आपके रिटर्न्स तो मिलेंगे नहीं, आपके जो कैपिटल है उन कैपिटल में से भी आपके पैसे ख़राब हो सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। तो इसलिए अगर दोनों ही रास्ते आपके लिए बंद हो जाते हैं, मतलब आप नॉलेज लेने के लिए टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते, और दूसरी बात एक और भी मेन बात है जो कि दुनिया की सच्चाई है कि अभी के वक्त में टाइम इतना किसी के पास है नहीं है, समझ रहे कि नहीं, कि वो सीखने के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस कर सके। तो इसीलिए ऐसी कंडीशन में ना नॉलेज है ना इंतज़ार कर सकते हैं, ना हम विदाउट नॉलेज अपने पैसे को म्यूचुअल फंड इक्विटी मार्केट में खासतौर से लगा सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इक्विटी फंड की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर हम पैसे भी नहीं लगा सकते हैं विदाउट नॉलेज। तो ऐसे कंडीशन में अगर कोई बंदा एजेंट के थ्रू और डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, बैंक के थ्रू अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो बिल्कुल वो कर सकता है, और जिसने ऐसा कर लिया है बिल्कुल ही अपनी जगह पे राइट है। अच्छा एक बात और भी सोचिए, देखिए एजेंट के थ्रू अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो यहाँ पर किसी तरह का कोई बुराई नहीं है सर, इस बात को याद रखिए। हमने भी कई वीडियो इसके ऊपर बनाया हुआ है जिसमें मैंने कभी ये चीज़ नहीं कहा है कि आप
इसमें बहुत बड़ा घोर पाप कर लिए हैं या बहुत आपके नुकसान हो जाएंगे, हाँ कुछ तो आपको झेलना पड़ेगा भाई। कुछ कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है, कुछ खोना नहीं पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, तो इस बात को याद रखिए। अब देखिए, अगर आप एक साल ना निवेश करते तो 12% के हिसाब से, 10% के हिसाब से जो रिटर्न्स आपको मिलते वो तो नुकसान हो गया, लेकिन आपने एजेंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वहाँ पर 10% की रिटर्न्स तो मिलेंगे ना। हाँ, अब एक बात आती है जो कि समझने वाली है यहाँ पर, वो बात क्या है, यहाँ पर जो एक्सपेंस है ना थोड़े कट जाते हैं ज़्यादा आपके, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि इसके ऊपर ज़्यादा गौर आपको नहीं करना चाहिए कि भाई हमारे एक्सपेंस उसमें ज़्यादा कट जाएंगे रेगुलर प्लान के अंदर। क्योंकि देखिए, एक्सपेंस कटेंगे तो क्या हो गया, आपका 10% का रिटर्न्स तो आ रहा है ना, कम से कम इतना तो मिल ही जाएगा ना। दूसरी बात, ऐसा भी हो सकता है कि आपने एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह के जरिए इन्वेस्टमेंट करते रहे, आपके इन्वेस्टमेंट जारी हो गए, उसके बाद आप बीच बीच में सीख भी रहे हैं, जब आपको ऐसा लगने लगे कि हाँ बिल्कुल मैं अपने आप को लेकर बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ कि मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ, तो वहाँ पर बिल्कुल आप अपने रेगुलर प्लान को स्विच कर सकते हैं डायरेक्ट प्लान में। तो फाइनली यहाँ तक जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको रेगुलर प्लान में जाकर निवेश करना पड़ रहा है तो कर दीजिए, लेकिन आप इस चक्कर में मत रहिए कि हम खुद नॉलेज लेंगे और खुद इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ तक के सारी बातें क्लियर हो गई है। अब अगर एजेंट के जरिए आप निवेश करते हैं तो तीन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मुझे लगता है कि हर हाल में आपको याद रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़, नंबर वन, अगर आप किसी एजेंट के थ्रू जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप अपनी पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो आप अपनी पोर्टफोलियो को गोल बेस्ड बनवाएं, उस एजेंट को कहें, यानी मेरे कहने का ये मतलब है कि एजेंट देखिए आपकी पोर्टफोलियो किस हिसाब किताब से बना रहा है, आपके गोल के अकॉर्डिंग, आपके रिस्क के अकॉर्डिंग, आपके लाइफ, आपके एज के अकॉर्डिंग, आपकी जो हैसियत है उसके अकॉर्डिंग वो पोर्टफोलियो बना रहा है या नहीं बना रहा है, वहाँ पर आपको कहना है बाजाबता कि भाई हमारा मकसद ये है कि मैं बच्चों की पढ़ाई के लिए या फिर मैं अपने रिटायरमेंट के लिए या फिर घर बनाने के लिए या कोई और भी अदर शौक है जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है या फिर इतने पैसे की ज़रूरत है, मैं उसके लिए निवेश कर रहा हूँ, उस हिसाब से मेरा पोर्टफोलियो होना चाहिए। इस तरीके से बोलकर भी आप अपनी पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अपने एज के बारे में बताएं, आपकी एज तो वो ऑलरेडी देख ही रहे हैं, जब आप अपने शौक के बारे में या आप अपने गोल के बारे में बताएंगे, आप अपने टाइम पीरियड के बारे में बताएंगे तो उन्हें बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। आप अपनी इनकम के बारे में, जो कि मंथली इनकम है, इन चीज़ों के बारे में जब आप बताएंगे तो उन्हें बहुत कुछ समझ में आएगा, फिर वो आपके अकॉर्डिंग आपके हिसाब किताब से वो आपकी पोर्टफोलियो को क्रिएट कर पाएंगे। तो ये सबसे पहली चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी चीज़, मैं हर एजेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ एजेंट होते हैं जो ऐसा करते हैं, वो बार बार आपकी पोर्टफोलियो में स्कीम को चेंज करवाएंगे, जो नहीं करना चाहिए आपको, कभी नहीं करना चाहिए। हाँ देखिए, ज़रूरत पड़े तब कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने का ये मतलब नहीं कि हर 3 महीने पे आप चेंज कर दीजिए, एक टाइम टेबल होता है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, फ़ंड को रिव्यू करना पड़ता है, उसके बाद आपकी पूरी पोर्टफोलियो को देखना पड़ता है, अगर कोई फ़ंड खराब परफॉर्म कर रहा है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, कब से खराब परफॉर्म कर रहा है, कब तक कर सकता है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि आप बराबर फ़ंड को चेंज करते रहिए, इसका ये मतलब नहीं है। तो आपसे कई सारे एजेंट ऐसे होते हैं, फिर मैं कह रहा हूँ सब की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ की बात कर रहा हूँ, जो बराबर स्कीम चेंज करवाते हैं पोर्टफोलियो के अंदर, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। अच्छा, एजेंट जो स्कीम चेंज करवाते हैं, ये वाला सिस्टम पहले बहुत था, लेकिन अभी कुछ दिनों से बंद कर दिया गया है, जब सेबी का नया रूल आया था। देखिए, पहले रूल क्या था सेबी का, अगर कोई एजेंट म्यूचुअल फंड के अंदर किसी स्कीम में, खासतौर से इक्विटी में अगर निवेश भी करवाता है ना, तो इन्वेस्टर को वो लाया कहीं से ढूंढ कर निवेश करने के लिए, उसका कमीशन अलग से मिलता था, फिर वो पैसे निवेश करता था तो इसका कमीशन उसे उस वक्त तक मिलता रहता जब तक वो निवेशित रहता उस स्कीम के अंदर। मतलब एक तो लाने का कमीशन अलग से, और अगर वो निवेश कर लिया और जब तक निवेश करेगा तब तक उससे कमीशन मिलता रहेगा एजेंट को, तो ये कमीशन अलग। लेकिन बाद में अभी क्या कर दिया है सेबी ने कि भाई लाने का कमीशन अब नहीं मिलेगा। अगर आप एजेंट हैं, अगर आप किसी इन्वेस्टर से किसी स्कीम में निवेश करवाते हैं, तो सिर्फ वो जो निवेश करेंगे,
अभी कर रहे हैं या आने वाला फ्यूचर में जितने भी पैसे लगाएंगे उस हिसाब से आपको कमीशन के रूप में पैसे मिलेंगे। तो जब तक वो निवेशित रहेंगे तब तक आपको मिलते रहेंगे सालाना तौर पे, तो ये एक अलग चीज हो जाती है। जबकि इसका जो कैलकुलेशन होता है ना वो डेली तौर पे होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। तो खैर ये डेली होता है सालाना होता है इससे आपको मतलब नहीं है, लेकिन ये चीज़ें बंद कर दी गई है कि अगर कोई बंदा स्कीम में निवेश कर रहा है तो स्कीम में इन्वेस्टर के लाने का कमीशन अलग, फिर उसमें जब तक निवेशित रहेगा उसका कमीशन अलग, तो लाने का कमीशन बिल्कुल बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि स्कीम को चेंज नहीं करना है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपको इनेफो वगैरह में बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे वो निवेश करवाने का, एजेंट जो होते हैं ना वो इनेफो में इन्वेस्टमेंट करवाने का बहुत ज़्यादा फोकस रहता है उनका, इस बात पे ख़ास तौर से ध्यान देना है। और बराबर मैं जब भी इनेफो का रिव्यू करता हूँ अक्सर वीडियोस में मैं ये बात बोल कर रखा हूँ कि आपकी पोर्टफोलियो में अगर इस तरह के फंड की ज़रूरत है तो ही आप इन्वेस्टमेंट करिए, अदरवाइज़ आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। देखिए बार बार आप हर इनेफो में इन्वेस्टमेंट करेंगे या अगर कोई एजेंट ऐसा करवाता है तो उसमें आपके नुकसान हो जाते हैं। सोचिए आपने 10 साल के लिए एक पोर्टफोलियो बनाया, हर साल सैकड़ों से ज़्यादा 100-150 से ज़्यादा एनएफओ वगैरह लॉन्च होते हैं। अगर कोई पूरा एक साल आप लेकर चले फिनेंशियल ईयर को देखें काउंट करें तो वहाँ पर 100 से ज़्यादा एनएफओ, उससे भी कहीं ज़्यादा एनएफओ आपको मिल जाएंगे जो कि लॉन्च होते हैं। मैं मानता हूँ आप 50 नहीं, 30 नहीं, 20 नहीं, 10 भी नहीं, 5 भी नहीं, आप सिर्फ हर साल 4 एनएफओ लेते हैं, तो सोचिए 10 साल में सिर्फ कितने इनेफो आपके पोर्टफोलियो में हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा एक मसला क्रिएट करेगा। और जैसे जैसे टाइम आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे टाइम पीरियड गुजरते जाएंगे वो आपकी मुश्किलें बढ़ाता जाएगा, टैक्सेशन को लेकर, रिटर्न्स को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर। मैनेजमेंट बोले तो आप उस पोर्टफोलियो को सही ढंग से मैनेज नहीं कर पाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ फंड्स ज़्यादा होने की वजह से। इसके अलावा दिन ब दिन और भी परेशानियाँ बढ़ती रहती हैं, तो ये सारे मैटर होते हैं। तो फाइनली इन तीन बातों पर आपको ध्यान देना है कि आपको अपनी पोर्टफोलियो गोल बेस्ड बनवाना है, दूसरी बात कि आपको स्कीम को बार बार चेंज करना नहीं है एजेंट के कहने पर, और तीसरी बात है कि इनएफओ वगैरह पे वो लोग फोकस करवाएंगे, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि नहीं भाई हमें इनएफओ में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो फाइनली किसी एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए इन्वेस्टमेंट करने में कोई बुराई नहीं है, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मैं कहता हूँ ये एक अच्छी बात है कि आप उनके साथ जा रहे हैं। अब कुछ एक्सपेंस रेशियो के चक्कर में आप उनके साथ मतलब रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए, और आप इस चक्कर में कि मैं सीखूंगा तब इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो पता नहीं आपको सीखने में कब तक हो जाएगा टाइम, और फिर वो इन्वेस्टमेंट आप कर भी पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, आपके जो एक साल के रिटर्न्स खराब हो जाएंगे, 6 महीने के रिटर्न्स खराब होंगे वो तो होंगे ही होंगे। तो फाइनली उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपके कुछ सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या इंस्टा पे भी पूछ सकते हैं, आपको 100% मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा जितनी जल्द हो सके। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।